लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप सरकार पर लगाए हैं उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें रखी हैं जो सही नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। कोई भी मंत्री या सदस्य भाषण देते वक्त तथ्यात्मक चीजें रखता है और सदन के कोई और सदस्य इसको ऑब्जेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं तो आसन इसको सत्यापित करने का निर्देश दे सकता है। माननीय विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। सत्यापन करेंगे। और राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा ने सदन में जवाब दिया है। खड़गे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान आपत्तिजनक है। खड़गे के आरएसएस पर दिए गए बयान को पंच किया जाए। आपको बता दें कि खड़गे ने आरएसएस को एक मुनावादी संस्था बताया और कहा कि सच की विचारधारा को देश के लिए, संघ की जो विचारधारा है वो देश के लिए खतरनाक है। इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए।